नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। मंच पर बैठे हुए भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामकरण कश्यप जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट राम धनीबिंद जी, हमारे MIM के प्रदेश सचिव, हमारे छोटे भाई सलमान जी, मंच पर बैठे हुए सभी MIM जन अधिकार पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में शामिल सभी घटक दलों के सम्मानित पदाधिकारी जी गण और बेजा विधानसभा के प्रत्याशी भाई बबलू मोहरा जी, उराव के प्रत्याशी अशोक धुरिया जी, बबलू कुशवाहा जी कह रहे हैं मौर्या जी लिख रहा हूँ, और आज इस चुनावी रैली में आए हुए हैं सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों, साथियों, चुनाव का मौका है। चुनाव के मौके में इतनी धूप में भी आप काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपना कीमती समय निकाल करके आए। आप सब लोगों को मैं और अपने साथियों की तरफ से कोट कोट धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आपके यहाँ 27 तारीख को वोट पड़ना है और 27 तारीख को आपको ये चुनना है कि हमारे मेजा और कोराव से आपका विधायक कौन होगा और उत्तर प्रदेश में बनने वाली सरकार कौन सी होगी। हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आदरणीय वैसी साहब की देख रेख में बनाया। हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चे में रामकरण कश्यप और राम धनी बिंद, मैं उवैसी साहब, हमारे कमलेश चौहान जी और एक शेड्यूल कास्ट के रिटायर्ड DGP हैं, पुलिस के अधिकारी रहे हैं, DG रहे हैं, उनकी अपनी जनता पार्टी है। ऐसे सारे लोगों ने मिल करके हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, इस नारे के साथ बनाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी चाहत है कि हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिला, चाहे वो सरकारी नौकरियां हैं या प्राइवेट सेक्टर की है या सरकार द्वारा दिए जाने वाला ठेका पट्टा है या जो विकास के लिए पैसा आता है प्रदेश और देश सरकार से, वो सभी लोगों के ऊपर बिना भेदभाव के, जाति, धर्म, मजहब, बिना ये सब काम जो हम चाहते हैं कि ये हो, हमारे बच्चों को हिस्सा मिले, हक मिले, हकूक मिले, ये कब होगा, ये बहुत सोचने की बात है। अभी हमारे रामकरण कश्यप जी और हमारे जो सलमान भाई कह रहे थे कि अगर हमें हक हकूक लेना है, हिस्सा लेना है, तो मिलेगा कैसे और देता कौन है। अगर ये बात हमारे लोगों की समझ में आ जाए तो समस्या का समाधान है, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी हम ये नहीं समझ पाए कि हक और हिस्सा देने वाला कौन है, हक हिस्सा देता कौन है, अधिकार देता कौन है, ये जिम्मेवारी किसकी है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। चुनाव का मौका आया, हमारी बहनें या हमारे भाई, हमारे भाइयों की तो जैसे 27 तारीख शुरू हो गई है, 24 तारीख है, 1000 रुपया और दारू की बोतल में चलेगा। हमारी बहनें, कोई कहेगा गैस सिलेंडर फ्री मिल जाएगा, कोई पायल बांटेगा, कोई साड़ी ब्लाउज बांटेगा और इतने में वोट चला जाएगा। आखिर क्या बात है इस वोट में, क्या ताकत है जिसके बदले आपको शराब पिलाई जाती है, पैसे दिए जाते हैं, 5 साल जो आपके नेता दरवाजे नहीं आता, 5 साल बाद चुनाव के मौके में आता है और खटिया में सिराने नहीं बैठता, पर तड़ने बैठता है, आपके पैर छूता है, क्या बात है उस वोट को, उस वोट के लिए जो पैसे पानी की तरह बहाया जाता है, जिस वोट की हिफाजत के लिए पुलिस मशीन गन लेके AK-47 लेके लगी है, बैंक में बहुत रुपया होता है लेकिन सिपाही लगा होता है रिटायरमेंट एक नाली दो नाली बंदूक लेके, रुपया के लिए बड़ी जान मार होती है लेकिन बैंक में करोड़ों रुपया होने के बाद एक सिपाही लगा रहता है रिटायर एक नाली दो नाली बंदूक लेके, पैरामिलिट्री तो नहीं लगी रहती बैंक में, कि लगी रहती है,
लेके 47 लेके तो सिपाही नहीं लगा रहता कि लगा रहता, लेकिन जब वोट पड़ती है तो वोट की सुरक्षा के लिए, उसके मशीन की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री लगी रहती है मशीन गन लेके, और देखते ही गोली मारने का आदेश होता है। क्या बात है उस वोट में? कुछ तो बात है उस वोट में, कोई तो चीज है उस वोट में। अगर वो वोट की ताकत समझ में आ जाए तो आपका और आपके बच्चे का उद्धार है, और जब तक उस वोट की ताकत समझ में नहीं आएगी तब तक 75 साल बीत गए, हमारा और हमारे बच्चों का उद्धार नहीं हुआ, और आने वाले कितने 75 साल बीत जाएंगे, हमारा उद्धार नहीं। अगर वो वोट की ताकत समझे, क्या बात है उस वोट में? रुपए की सुरक्षा नहीं है, वोट की सुरक्षा है, क्योंकि वोट से सरकार बनती है, राजा बनता है, और वो बैंक, वो रुपया उसी राजा के अंडर में होता है। होता है वोट से राजा बनता है कि नहीं बनता है? पुराने जमाने में राजा का बेटा राजा होता था, और राजा एक जाति में होते थे, और जब से देश आजाद हुआ तो राजा रानी के पेट से नहीं होता। पहले बैलेट पेपर पड़ता था तो बैलेट बॉक्स से निकलता था, अब ईवीएम मशीन से निकलता है। अब वो किसी बिरादरी का बेटा राजा हो सकता है, कोई भी मालिक हो सकता है, कोई भी देश का राजा हो सकता है, कोई भी प्रदेश का राजा हो सकता है। जिसको वोट ज्यादा निकला है, जिसको जिता दो, उसी को पुलिस जी जय हिंद करने लगेगी, उसी का हुक्म मानने लगेगी। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।